मध्य प्रदेश के अस्पतालों में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। आलम यह है कि ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर बनकर काम कर रहे हैं जिन्होंने कभी मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं की, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिकल के छात्र हैं लेकिन उनके पास अभी डिग्री नहीं है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच में सूबे की चिकित्सक व्यवस्था की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि इंजेक्शन की कालाबाजारी की जांच काफी लंबे समय से चल रही है। अब इस जांच में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की जांच में कालाबाजारी करने वाले 3 डॉक्टरों की डिग्री फर्जी पाई गई है और 1 डॉक्टर की डिग्री पूरी ही नहीं है। वो अभी बीएएमएस अंतिम वर्ष का छात्र है लेकिन लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में बतौर चिकित्सक काम कर रहा था। पकड़े गए दूसरे डॉक्टर नीरज साहू की डिग्री की जांच की तो वो भी फर्जी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर नीरज साहू आशीष हॉस्पिटल में बतौर चिकित्सक काम कर रहा था। एसटीएफ ने तीसरे डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर की डिग्री को भी फर्जी पाया है। ये डॉक्टर इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल में बतौर चिकित्सक काम कर रहा था। ये तीनों डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी जेल में हैं। इनकी एक सहयोगी डॉक्टर संगीता पटेल को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में नागपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। जितेंद्र ठाकुर जो कि लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में काम करता था, वहाँ से हमने उसके दस्तावेज वगैरह मंगवाए, जहाँ से हमें पता चला कि वो अभी केवल तृतीय वर्ष में ही पास हुआ है। बीएचएमएस की डिग्री कर रहा था, परस्यू कर रहा था, अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी, फोर्थ ईयर में उसकी बैक थी, लेकिन फिर भी वो लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। इसी तरीके से नीरज साहू की हमने जब डिग्री मंगवाई आशीष हॉस्पिटल से, तो वहाँ से हमें पता चला कि उसने बीएमएस की डिग्री की है और ड्यूटी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। उसकी बीएमएस की डिग्री हमने वेरीफाई कराई एमईएच कॉलेज रांची से, जिन्होंने हमें लिख कर दिया कि नीरज साहू राम के किसी भी स्टूडेंट ने उनके यहाँ से बीएमएस की कोई भी डिग्री के लिए अध्ययन नहीं किया है।